अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, अल्ट्रा नेशनलिस्ट, अल्ट्रा राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। ये बेंजामिन नेतन्याहू से भी 10 गुना ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट गवर्नमेंट है। और ये भी एरियल शैरोन और ये सॉरी शैरोन पेरे जैसे यहूद ओलमर्ट जैसे प्राइम मिनिस्टर भी नहीं है। इनफैक्ट यहूद ओलमर्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि अगर हमास टेररिस्ट है तो बेंजामिन नेतन्याहू उनकी सरकार इनसे भी बड़ी टेररिस्ट है, जो कि लार्जर ओपिनियन है इस वक्त वर्ल्ड में। एक सेनेटी का, लिबरल्स का, डेमोक्रेट्स के बीच का भी यूएस में, और लेबर पार्टी में तो डिवाइड हो गया है ब्रिटेन में। स्पेन के एक मिनिस्टर ने कल कह दिया है कि बेंजामिन नेतन्याहू शुड बी ट्राइड फॉर वॉर क्राइम्स। आयरलैंड के पार्लियामेंट में पूरा बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुला है। जिमी कॉर्बिन ने इसके खिलाफ बोला है। तो ऐसा नहीं कि वर्ल्ड ओपिनियन वन साइडेड है और इस वक्त देख नहीं रहे कि ये जो आदमी है इसके खिलाफ ही कम से कम लाखों लोगों ने पिछले एक साल से प्रोटेस्ट किया, क्योंकि करप्शन चार्जेस लगे हुए थे और ये सुप्रीम कोर्ट को ओवर रूल कर रहा था। तो ये जो किया है इन्होंने, घासली वॉर क्राइम किया है, जो कि छोटे छोटे बच्चों को मारा है, पेशेंट्स को मारा है, ये कोई अनएक्सपेक्टेड नहीं है व्हेन इट कम्स टू बेंजामिन नेतन्याहू। लेकिन आप मुझे अगर नीटिग्रिटीज के बारे में पूछना चाहें कि स्ट्रेटेजिकली क्या हो रहा है वहां पे और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, तो मैं उसके बारे में आपसे जी बिल्कुल बताएं। आप बताएं अभी इसी उस पर बताएं कि मैं आगे बात। उन्होंने पहले तो इन्होंने ऐलान पहली बात तो हमास का स्ट्राइक के कई कारण माने जा रहे हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि अब्राहमिक जो अकाउंट्स के थे ट्रंप ने, जिसमें सऊदी अरेबिया, मोरक्को, यमन, बहराइन और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ इसराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशंस और ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश हो गए थे, जो अनप्रेसिडेंटेड है अरब हिस्ट्री में। हाँ, जो अनप्रेसिडेंटेड है वो ट्रंप ने किया और बिडेन ने उसको एक्सेप्ट किया। और अभी बाइडेन ने 6 बिलियन का जो दबाया हुआ था लोन इनका, बंद किया हुआ था लोन, वो सैंक्शन किया, 6 बिलियन का फिर से बंद कर दिया है। तो ये एक किस्म का ओपनिंग ऑफ वो था, इसराइल को एक लेजिटिमेसी दी गई थी अरब वर्ल्ड ने। अरब वर्ल्ड ने पैलेस्टाइन की कोई ज्यादा मदद नहीं की, ईरान और सीरिया को छोड़ के, लेकिन अब कम से कम लेकिन एक मॉरल और सिंबॉलिक सपोर्ट ये लोग देते थे। अब वो मॉरल और सिंबॉलिक सपोर्ट भी इन्होंने छोड़ दिया, और टू नेशन थियरी, ऑस्लो अकॉर्ड्स, पैलेस्टाइन के राइट्स, सेटलमेंट जो है पूरा वेस्ट बैंक तक घुस गया है, गाजा के बॉर्डर तक सेटलमेंट घुस गया है, चारों तरफ इन्होंने बॉर्डर्स लगा लिए, वो एक घेटो ओपन एयर, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओपन एयर प्रिजन जो है उसको लेजिटिमेट करके छोड़ दिया गया। लेकिन अब जो है वो अब्राहम अकॉर्ड्स बिल्कुल वो अब्राहम रिकॉर्ड्स जो अकॉर्ड्स किए गए सारे कंट्रीज के, इसराइल के, वो फेल हो गए। सऊदी अरेबिया ने भी उसको अब मना कर दिया कि मैं एक्सेप्ट, हम वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि ये हमास का पोजीशन को रिस्ट्रेंथन करता है। हमास एक फिलंथ्रॉपिक बॉडी थी एक जमाने में, और इलेक्टेड बॉडी भी है हमास, और प्योरली रिलीजियस बॉडी भी नहीं है, ऐसा भी नहीं है, आइडियोलॉजिकल बॉडी है हमास। लेकिन वो जो टेररिस्ट एक्टिविटी करती है, जो कि ऑफकोर्स वी कैन नॉट एक्सेप्ट द फैक्ट कि उन्होंने करीब 260 यंग लड़के लड़कियां जो म्यूजिक फेस्टिवल में थे सबको कोल्ड ब्लड से मारा, और घर में घुस घुस के छोटे छोटे बच्चों को मारा और बेडरूम्स में मारा, और ये कह के कि ये लोग करते हैं इसराइली इसलिए उनको भी अलाउड है। तो ये सिटीजन्स पे जो हमला जो इन्होंने किया है, अगर आर्म सोल्जर्स के साथ गुरिल्लास का फाइट चल रहा है, तो देन वन कैन फाइंड इट इज अ लेजिटिमेट वॉर, गुरिल्ला फोर्सेस fighting the armed forces of the state, which has happened all over the world. In Latin America, it has happened in many other parts of the country. आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।